नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता चौबे। जदयू के जहानाबाद सांसद चंद्रेश्वर चंद्रवंशी का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने जहानाबाद सीट को लेकर दावा करते नजर आए और उन्होंने कहा कि हम सब आगामी चुनाव के लिए तत्पर हैं और आगामी चुनाव के लिए तैयार हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर बयानबाजी चल रही है और यह कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर सारी फॉर्मूला तैयार है और सारा चीज तैयार है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पार्टी के नेताओं को इससे जुड़ी जानकारी कुछ भी नहीं है और अभी तक इसको लेकर कुछ भी तैयार नहीं किया गया है, तो आने वाले समय में जो भी होगा यह आपको बताया जाएगा। तो और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं जहानाबाद सांसद, पहले आप वो सुने। सर क्या कहेंगे सर, आज उत्तरायण होगा तो क्या रणनीति में भी कुछ बदलाव होंगे, क्या कुछ संकेत दिख रहे हैं? देखिए, कोई बदलाव नहीं है। अभी हम लोग वर्कर हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों के नेता हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू जो भी निर्णय लेंगे हम लोग उनके साथ आज शुरू से हैं और अंत तक रहेंगे। इसलिए हम लोग इस पर कोई बात आपके बीच में नहीं बोल सकते हैं। जो भी बात आएगा नेतृत्व के माध्यम से आएगा, जो भी चर्चा चल रहा है वो सब आप लोगों के बीच में चल रहा है, हम लोगों के बीच में तो कोई ऐसी चर्चा नहीं है। लोकसभा सीटों को लेकर गतिरोध होने की बात सामने आ रही है, कहाँ अभी तक तो कोई बैठक ही नहीं हुआ है उस तरह का। अभी तो पार्टी के सभी नेता बोल रहे हैं कि कोई जल्दीबाजी नहीं है, बहुत जल्दी नहीं है। हमारे पार्टी के नेता बोल रहे हैं कि जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी अच्छा है, एक जगह बैठेंगे लोग हो जाएगा। आपके सीट पर लेफ्ट पार्टी की भी नज़र है, आरजेडी की भी नज़र है, तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? ना तैयारी अब कर रहे हैं ना? पूरा तैयार है चुनाव लड़ने के लिए, और उम्मीदवार तो हर पार्टी के लोग होता ही है। चुनाव इसीलिए होता ही है कि हर पार्टी के लोग प्रयास करता है चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन जिसको टिकट मिलता है वो चुनाव लड़ता है। अब जिनको जिनको टिकट मिलेगा जिस पार्टी से लड़ेंगे, जीतेगा तो कोई एक ही आदमी। आपको टिकट मिलेगा, आप उम्मीद लगाए हैं? पूरा उम्मीद है, पूरा उम्मीद है, और लड़ेंगे चुनाव, जीतेंगे भी, इसकी भी उम्मीद है। लगातार लेफ्ट पार्टी करे कि वो गठबंधन सीट के तहत हमको अब कह रही है कौन, हमसे तो नहीं किसी को बात हुआ है, इसलिए हम नहीं जानते हैं। आरजेडी के सुरेंद्र यादव भी कहते हैं कि हम हमारे पारंपरिक सीट है हम। अरे भाई, तो ये तो हम बता तो रहे हैं कि आप लोग से बात होती होगी, हमसे तो कोई बात नहीं हुआ। सर बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हमारी बदौलत 16 सीट आया था, इस बार खाता नहीं खुलेगा जेडीयू का। ऐसा नहीं है, एनडीए के साथ भी हम लोग थे और एनडीए के से अलग भी हम लोग हैं। अब शुरू से आज तक जो चला है चर्चा में, आप लोग देख रहे हैं कि पार्टी किस तरह से बिहार की जनता नीतीश कुमार की तरफ देखती है और नीतीश कुमार के साथ खड़ा है। मोदी जी के बदौलत 16 सीट आए थे क्या सर? तो आपने सुना क्या कुछ कहते नजर आए जहानाबाद सांसद चंद्रेश्वर चंद्रवंशी। और उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो भी आगे चलकर निर्णय लेंगे वह सराहनीय होगा और हम सब उस पर खरे उतरेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि जहानाबाद सीट को लेकर वो दावा करते नजर आए और उन्होंने ये भी कहा कि हम सब आगामी चुनाव के लिए तैयार हैं और आगे जो भी आएगा हम उसका सामना करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर उनका यह प्रतिक्रिया रहा कि जो भी नेताओं के द्वारा यह बयानबाजी चल रहा है कि सीट शेयरिंग की फॉर्मूला तैयार हो गई है और किसको कितनी सीट मिलेगी यह भी तैयार हो गई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आने वाले दिनों में मीडिया से सब चीज़ साझा किया जाएगा और बिहारवासियों के सामने एक सूची तैयार की जाएगी और यह सब की जानकारी आप लोगों तक पहुँचा दी जाएगी। तो क्या कुछ कहते नजर आए जहानाबाद सांसद चंद्रेश्वर चंद्रवंशी, ये मैंने आपको सुनाया। तो इस खबर में फिलहाल इतना ही। आसपास से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ, और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।